आपने जल चढ़ाया, अब जल आप यहां से चढ़ा रहे हो तो धीरे 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 चढ़ाएं जिससे छींटे बाहर ना, यहां तक छींटे रहे धार तक चलेगा बाहर ना। और एक बात का स्मरण रहे, यदि बेलपत्री फूल पत्ती जल चढ़ाने के बाद ये सब अगर नीचे गिर जाए, जलाधारी पर गिर गया या नीचे उतर गया, तुम्हारा पूरा जल चढ़ जाए, तुम्हारे पास में चंदन नहीं है, अभीर नहीं है, गुलाल नहीं है, कुछ अपने हाथ की तीन उंगलियों से रेखा तीन खींचकर और फिर जो माला आदि कादिक भगवान की रखी थी उसी से भगवान का वापिस पूरा श्रृंगार कर फिर वापिस आइए, भगवान को पूर्ण श्रृंगार। भगवान का पूर्ण श्रृंगार कर आइए। कई लोग जल चढ़ाने के बाद में भगवान का जो फूल पत्ती नीचे रखी रहती है, आप हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने घर से लेकर जाओ, आपके पास में कुछ नहीं, जल चढ़ा, जल चढ़ाया, जो फूल पत्ती नीचे रखी हुई है उसी को उठाकर उसको रखकर उसी फूल से भगवान का खूब सुंदर भगवान का कर फिर आ रहा है। क्यों? शिव का जब हम श्रृंगार कर आते हैं, माता पार्वती जी ने देव अधिदेव महादेव का श्रृंगार किया है, आप लोगों के स्मरण में होगा, उनका श्रृंगार किया है। रामचरित सुनिए कथा, रामायण सुनिए, आप लोगों ने रामायण सुनी होगी, तो उसमें माता बैठी है शिला के ऊपर और भगवान राम उनका श्रृंगार कर रहे हैं, एक कौवा आता है वो चोंच मार कर जाता है, ये सारा वृतांत आप लोगों ने श्रवण किया है। तो राम जी माता सीता का श्रृंगार करते हैं, भगवान कृष्ण राधा जी का श्रृंगार करते हैं, केवल एक देव अधिदेव महादेव की कथा ऐसी है जिसमें पार्वती जी शिव जी का श्रृंगार करती है, शिव का श्रृंगार किस लिए, क्यों कहा, जल चढ़ाने के बाद वहीं पर पड़ी हुई पत्ती से फूल से, जो चढ़े हुए फूल हैं, चढ़ी हुई पत्ती है, चढ़ा हुआ निर्माल्य है, जो भी शिव जी का है, उसी को धोकर वापिस भगवान का श्रृंगार कर आना चाहिए। किस लिए कि हे भोलेनाथ, जब मैं इस संसार सागर से जाऊं, अखंड सुहाग लेकर पूरी श्रृंगार कर इस धाम से जाऊं, ऐसी जो पड़ा, जो चंदन नहीं है, हाथ से चंदन का स्मरण होना चाहिए।